हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। आज आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन फलनों के प्रकार में दूसरा पार्ट अंतःक्षेपी फलन की परिभाषा बताएंगे। डेफिनेशन ऑफ इनटू फंक्शन, इसकी परिभाषा क्या है। मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, या इसको पढ़ते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि सह प्रांत बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो प्रांत ए के किसी भी अवयव का यह प्रतिबिंब नहीं है। ध्यान से सुनिए, यदि सह प्रांत बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि y1, y2, y3 है, इसमें 1, 2, 3, 4 देख रहे हैं। एग्जाम्पल मैं दो एग्जाम्पल लिया हूँ, इसमें y1, y2, y3 है। तो देख रहे हैं कि यदि सह प्रांत, देखिए पहला संपूर्ण समुच्चय को डोमेन बोलते हैं, प्रांत या प्रभाव क्षेत्र। जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय जो सेट बी है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन या सह प्रांत। तो देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि सह प्रांत बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, कम से कम एक अवयव का मतलब वह संख्या अधिक भी हो सकती है। एक भी अवयव छूट सकता है, दो भी अवयव छूट सकता है, तीन भी छूट सकता है। कम से कम एक का मतलब है कि संभावना अधिक की भी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि यदि सह प्रांत बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो प्रांत ए के किसी भी अवयव का यह प्रतिबिंब नहीं है। आप इसमें देख रहे हैं वाई वन, वाई टू, वाई थ्री है। वाई वन का यह प्रतिबिंब तो बन रहा है, एक समान y2 का भी बन रहा है, लेकिन y3 का क्या यफ प्रतिबिंब बन रहा है? तो आप देख रहे हैं कि y3 का यफ प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। फिर ऐसे ही इसमें a b c लिखा गया, यहाँ पर 1 2 3 4। तो यहाँ लिखा गया यदि सह प्रांत b में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो प्रांत a के किसी भी अवयव का यफ प्रतिबिंब नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 का तो यफ प्रतिबिंब है, लेकिन क्या 4 का यह प्रतिबिंब बन रहा है? नहीं। तो देखिए अंतःक्षेपी फलन में क्या है कि कोई भी सह प्रांत का कोई भी एलिमेंट अगर छूट जाता है, एक भी एलिमेंट, कम से कम एक भी एलिमेंट, तो हम कहेंगे कि वह अंतःक्षेपी फलन है। आच्छादक फलन की परिभाषा एवं उदाहरण प्रीवियस वीडियो में बताया गया। आच्छादक फलन सिद्ध करना है तो उसके लिए रिमार्क बताया गया, यफ का परिसर बराबर यफ का सह प्रांत। कल बताया गया था यफ ए इज इक्वल टू यफ बी, यफ ए इज इक्वल टू बी, यफ ए इज इक्वल टू बी। बी क्या है? कोडोमेन है, वह सेट है। और यफ ए क्या है? यफ का परिसर, रेंज ऑफ यफ। तो यफ का परिसर यदि कोडोमेन के बराबर है, ध्यान से सुनिए, यदि रेंज ऑफ यफ, यफ का परिसर यदि सह प्रांत के बराबर है तो वह फलन आच्छादक फलन कहलाएगा, आंटो फंक्शन कहलाएगा। और इसमें क्या है कि अब देखिए इसमें जो है कि सह प्रांत का कम से कम एक एलिमेंट छूटेगा। अंतःक्षेपी में क्या होता है कि कम से कम एक एलिमेंट छूटना अनिवार्य है, दो भी छूट सकता है, तीन भी छूट सकता है, लेकिन आच्छादक फलन में छूटेगा नहीं। आच्छादक का अर्थ होता है ढकना, तो वह एकैकी आच्छादक भी हो सकता है और वह बहुएक आच्छादक भी हो सकता है। बहुएक का मतलब बहुतों का संबंध एक से, एकैकी आच्छादक का मतलब एक का केवल एक से ही संबंध है। लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है, सह प्रांत का पूरा ढक जाता है। लेकिन इसमें क्या है, अंतःक्षेपी में कोई ना कोई एलिमेंट क्या हो जाता है, सह प्रांत का छूट जाता है, तो हम कहेंगे कि वह अंतःक्षेपी फलन है। अगर सह प्रांत का कोई भी एलिमेंट छूट जाएगा तो समझिएगा अंतःक्षेपी फलन है। तो हम इसको लिखेंगे इसलिए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी अंतःक्षेपी फलन कहलाता है, अंतःक्षेपी फलन
कहलाता है, कहलाता है। अब इसको लिखेंगे कहलाता है यदि एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसको आप बी लिखिए, आप ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं कोडोमेन, कोडोमेन। इसके लिए शर्त है एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, या इसको ऐसे कह सकते हैं एफ का परिसर, इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहां क्या हो जाएगा, कोडोमेन, कोडोमेन ही जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय बी है वही कोडोमेन है। बी क्या है, कोडोमेन है। तो इसमें क्या, देखिए आच्छादक में क्या है, यफ का परिसर जो है सह प्रांत के बराबर होगा, यफ इज इक्वल टू बी, लेकिन अंतःक्षेपी फलन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी या मैपिंग फ्रॉम ए टू बी अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि यफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, उचित उप समुच्चय। क्लास इलेवेंथ में पढ़े हैं उचित उप समुच्चय क्या है, डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। ए और बी दो सेट हैं, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, ध्यान से सुनिए। उचित उप समुच्चय की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। ए और बी दो सेट हैं, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जो ए में न हो, तब हम कहेंगे कि वह क्या है, उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय में कन्फर्मेशन है, देखिए बड़ा मुख इधर है तो इसमें बी बड़ा है। परिसर की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ रेंज। बी के उन अवयवों का समुच्चय, ध्यान से सुनिएगा परिसर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रेंज। बी के उन अवयवों का समुच्चय, बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए अवयवों के यफ प्रतिबिंब है। यफ प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ, यफ इज इक्वल टू क्या हुआ, वन। इसका यफ प्रतिबिंब यफ बी इज इक्वल टू क्या हुआ, बोलिए टू हुआ। यफ सी इज इक्वल टू क्या हुआ, थ्री हुआ। अब जो है परिसर की परिभाषा है कि बी के उन अवयवों का समुच्चय, ध्यान से सुनिए, बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए अवयवों के यफ प्रतिबिंब, जैसे यफ ऑफ ए इज इक्वल टू वन, यफ ऑफ बी इज इक्वल टू टू, यफ ऑफ सी इज इक्वल टू थ्री। लेकिन क्या फोर का इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो वह परिसर नहीं कहलाएगा। आप क्लास इलेवेंथ में पढ़े हैं अगर जिसका यफ प्रतिबिंब बनेगा वह तो परिसर हो जाएगा, लेकिन पूछा जाए चार परिसर है तो परिसर नहीं है, वह कोडोमेन का सह प्रांत का एलिमेंट तो है लेकिन परिसर नहीं है, क्योंकि यह प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो इस अंतःक्षेपी फलन का मुख्य उद्देश्य है कि अगर कोई भी एलिमेंट छूट गया तो वह अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा। तो इसका मतलब यफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, याद रखिएगा अंतःक्षेपी फलन के लिए यह शर्त है यफ का परिसर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। और आच्छादक फलन में बताया गया था यफ का परिसर, रेंज ऑफ यफ इज इक्वल टू कोडोमेन, अगर है तो वह आच्छादक फलन। यदि यफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन तो हम कह देंगे कि वह फलन क्या है, अंतःक्षेपी फलन है।